एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये तपारे की एलन कीज हैं, KBHM9X है मेरे ख्याल से, मॉडल नंबर आप वीडियो के टाइटल में देख लो, मुझे याद नहीं। बेसिकली एक्स्ट्रा लॉन्ग कीज हैं, तो इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, ब्राउन कलर की होती है और जहाँ तक मुझे पता है इजीली नहीं मिलती है। मैंने शॉप में ढूंढा, नहीं मिला, आखिर में मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा। ये नॉर्मल एलन की है, आप इसकी लेंथ का डिफरेंस देख सकते हैं आप, बाकी सब सेम है। इसकी ये राउंडेड बॉल एंडिंग है ताकि हम एक एंगल पे भी फास्टनेस को खोल पाएँ, कस पाए, और थोड़ी प्रीमियम है उसके मुकाबले। मैंने ये यूज़ करी है, इसके एजेस शार्प हैं, थोड़ा कई बार फास्टनर को डैमेज कर देती हैं अगर ये ढंग से अंदर ना लगाई जाए तो। ये वाली इसके एजेस अच्छी हैं, हार्डनेस ज़्यादा है। ब्राउन कलर वाली जो कीज़ होती हैं, जो ड्रिल बिट्स या कोई भी आप देखेंगे, तो ये इसकी हार्डनेस हमेशा नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी। ये आयरन ऑक्साइड है, ब्लैक आयरन ऑक्साइड, ये मुझे पता नहीं कि कौन सी कोटिंग है, लेकिन उससे हार्ड है, ज़्यादातर ड्रिल बिट्स में आती है। रीज़न ये क्यों लिया, कई बार हम किसी चाबी पे पीछे कुछ डाल के जुगाड़बाजी करते हैं, उससे काम अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने एक प्रॉपर टूल ले लिया। आप इस पे देख सकते हैं वियर कितना है। ये वाली जो एलन कीज़ तपारे की नॉर्मल आती है वो है, ये मैंने पहले ली थी अप्रॉक्स 140-150 की। जूम फोकस करा, हाँ, तो इनमें कमी यह है इनकी लेंथ बहुत छोटी है, टॉर्क नहीं लग पाता, छोटी कीज़ के लिए चल जाता है, लेकिन बाइक में ज़्यादातर हमें काफ़ी टॉर्क लगाना पड़ता है, तो ये काफ़ी उसमें हेल्पफुल है। ये वाली तो इतनी काम नहीं आती क्योंकि 10mm का इतना साइज़ मेरा बाइक में नहीं है, लेकिन हाँ 8mm जो साइलेंसर का बोल्ट होता है पीछे, उसमें ये ज़्यादा काम आई मेरे। बेसिकली जहाँ भी टॉर्क लगाना होता है ज़्यादा, वहाँ मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इन कीज़ पे पहले मैं एक सॉकेट डाल के इस्तेमाल करता था, वो सॉकेट मेरा डैमेज हो गया, क्योंकि एजेस शार्प होती हैं, हार्ड होती हैं, और वो सॉकेट थोड़ा इससे मुलायम था तो उसमें खड्डे पड़ गए। वो जुगाड़बाजी ना करूँ, कर पाऊँ या करने की ज़रूरत पड़े, इसलिए मैंने कीज़ ली। 780 की मुझे मिली विदाउट एनी डिस्काउंट, महंगी है ऑब्वियसली, लेकिन स्टैनली से कंपेयर करेंगे तो सस्ती है। स्टैनली की मेरे ख्याल से 1200 की है, लास्ट टाइम मैंने चेक करी थी। क्वालिटी सेम है स्टैनली और तपारिया की, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको, आप एक्स्ट्रा प्राइस स्टैनली ब्रांड के लिए ना दें। मैंने दोनों इस्तेमाल करी हैं, लेकिन मेरे पास मैंने ओन इसी को करा है और इसकी हार्डनेस सेम है। अब मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं दे पाऊँगा अभी, लेकिन मेरी वीडियोज़ में आप देख पाएंगे। बाकी ये बेसिकली इसका रिव्यू था और अनबॉक्सिंग थी। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई और जैसे कि मैंने कहा मुझे शॉप में नहीं मिला था, और एक और इंसिडेंट मैं वीडियो के एंड में बाद में बताऊंगा। इसके अलावा बस मेरे ख्याल से तो इसके लिए यही है। इसकी एज ये काफ़ी काम आई, ये वाली साइड मेरे कई बार फास्टनेस की ऐसी जगह होते हैं जहाँ खुलते नहीं, तो एंगल पे हेल्प करता है। आप देख पा रहे होंगे इसको, ताइवान की भी आप ले सकते हैं, वो आएगी मेरे ख्याल से 300-400 की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं। कुछ ताइवान के ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं अनब्रांडेड, लेकिन पता होना चाहिए, मुझे पता नहीं था तो मैंने इसलिए ब्लाइंडली तपारिया ले लिया, क्योंकि एज ऑलवेज तपारिया की कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं एंड एलन कीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। और वीडियो के एंड आ गया तो मैं ये बताऊँगा इसका रिव्यू कि मैंने इसको ऑनलाइन क्यों बुक करा। मैंने काफ़ी मार्केट ढूंढी, मुझे नहीं मिला, एक शॉप थी होलसेल मार्केट ही गया था ऑब्वियसली मैं, क्योंकि नेबरहुड शॉप्स हमारी ये स्टॉक नहीं करती, इनको कोई नहीं लेता, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और कंज्यूमर गुड्स में ज़्यादातर काम नहीं आता, आता भी है तो कोई लेता नहीं। तो उन्होंने स्टिकर को हटा रखा था, स्टिकर नहीं था, फाड़ रखा था ताकि प्राइस ना पड़ पाए। मैंने उनसे प्राइस पूछा, उन्होंने कहा ये 800 रुपीज़ है, मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ। और मैंने कहा कि इस पर स्टिकर क्यों हटा हुआ है, पैकिंग में क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि जी अभी आनी बंद हो गई। तो इस तरह के शॉप्स भी आपको मिलेंगी, फ्रॉड से बचें,
पहले देख के जाए ऑनलाइन, ख़ास तौर से ये मॉडल है KVH M9X, एक्स्ट्रा लॉन्ग है ये, और ये MM में है। 10 मत लेना, 10 इंचज़ में होती हैं और उसमें 10 कीज़ होती है, इसमें 9 कीज़ है। तो वो ज़्यादातर अमेरिकन बाइक्स पे इस्तेमाल होती है, हार्ले डेविडसन टाइप। हमारे इंडिया में या जैपनीज़ ब्रांड्स में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, गलती से वो ना ले। तो जैसे कि मैंने बताया, मुझे शॉपकीपर ने ऐसा बताया था, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैं घर आ गया और फिर मैंने वही मेरा पुराना अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मुझे कहीं नहीं मिली और घर पे फ्री डिलीवर हुआ मुझे, क्योंकि 400 से 500 से ऊपर था। तो रिव्यू कंप्लीट, आशा करता हूँ मुझे अच्छी लगी होगी ये वीडियो आप लोगों को। मैं और वीडियोस डालता रहूँगा एवरी फ्राइडे। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कोई चीज़ आप देखना चाहें या कोई आपको कमी हो, कुछ भी कहना चाहते हो मेरे से, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे पूछें, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई दूंगा।